Hello everyone, I welcome you all to Wizards Night Diaries. So I am Saurabh Sharma. You all know me on social media by the name of Meet the Wizard, and that happened to be my pen name as well. So what is this? So this is actually a new daily vlog series. Hum koshish karenge ki daily rahe, but then sometimes you can't assure it. You don't know about the circumstances and stuff like that. So basically, this will be completely raw, unscripted, unedited edition of these vlogs, of these talks. और देखो intro देखने के बाद ये मत बोलना कि unedited तो बिल्कुल नहीं है, edit कर रखा है, blah blah blah. I mean, come on, have some. How do you say it? Like, I guess you guys know what I mean by unedited at least. And obviously there will be little cut बीच में एक आधा थोड़ा बहुत, तो ये मत कहना कि भाई scripted तो है ही, वरना cut कैसे होगा, because I have talked this enough that I fumble all these things. Or कभी-कभी ना एकदम अच्छा नहीं लगता है अगर आप इतना ज़्यादा fumble करें. So yeah, that's the thing. So basically, this will be complete. This whole vlog series will be completely raw, unedited, unscripted, and totally me talking to you all as my night diary. Situation I see है कि यार बचपन से I have tried multiple times to have a diary. You know. जिसपे मैं लिखूँ अपने दिन के बारे में एंड टॉक विद इट बेसिकली, बट हर बार मैं फेल हो जाता था. मैं शायद एक हफ्ते से ऊपर मैंने कभी भी डायरी मेंटेन नहीं कर पाया हूँ. एंड देन विद ऑल द थिंग्स दैट्स बीन गोइंग अराउंड रिसेंटली, नॉट जस्ट रिसेंटली, काफ़ी टाइम से मैं आई ट्राई टू टॉक विद यू पीपल इन डिफरेंट मैनर. और व्लॉग सीरीज मैंने टेक्निकली इसी साल शुरू की थी. And that gave me a different level of confidence. और एक बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में, अपनी लाइफ का एक एक पल आप लोगों के साथ शेयर कर पाना, पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर कर पाना. सो दीज नाइट डायरीज विल बी अ लिटल डिफरेंट. ऑब्वियसली मैं पूरा दिन शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, बट देन हम अपनी पर्सनल डायरी के साथ जो बातें करते हैं, आई थॉट मैं वो बातें किसके साथ करूँ. आई मीन obviously I'm a writer, तो मेरा notes और diaries के साथ 24/7 वक्त गुजरता है. so कहीं ना वो मेरे professional friend बन चुके हैं. आप समझ रहे कि बहुत से लोग diaries इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो अपने professional life, personal life से हटके एक अपना अलग friend चाहते हैं जो diary में उनको मिलता है. पर मेरी diary मेरे लिए technically professional friend है मेरी, जो पूरा दिन भर मेरे साथ रहती है और मेरे हर ideas जो है उसमें जाते हैं. I almost discuss with it all my ideas and frame it and work on it, script it or whatever it is. So मुझे चाहिए था कि मेरा वो personal friend कौन हो सकता है जिसके साथ मैं अपनी हर चीज, हर thought share करूँ, चाहे वो किसी भी चीज से related हो, अपना पूरा दिन share करूँ. And I'll not get that judgment, वो judging response जो होता है, जो generally आप लोग इसीलिए diary पे लिखते हो क्योंकि आपको पता है कि वो return में judge नहीं करेगी आपको. And it will always listen. आप जो भी उसमें लिख रहे हो, आप जो भी उसके साथ शेयर कर रहे हो, तो एंड आई बिलीव आई हैव दैट बॉन्ड विद यू ऑल. एंड आई लव टू बी ट्रांसपेरेंट. और मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी शुरू की है ये मेरी जर्नी कहीं नहीं है, इट इज आर्स, हमारी मिलके एक जर्नी है. एंड हमने व्लॉग सीरीज से शुरू किया था, उससे पहले ऑब्वियसली बुक लिख रहा था. 2018 क्रिसमस पे पहली बुक आई थी, उससे पहले मैं पोस्ट करता था. आई बीन पोस्टिंग सिंस 4 to 5 years. सो ये पूरी एक सोशल मीडिया के थ्रू जो एक फैमिली बनी है, मीट द विजर्ड, पूरे मीट द विजर्ड की जो फैमिली बनी है, मीट ऑन इंस्टाग्राम, मीट ऑन फेसबुक, मीट ऑन ट्विटर और यूट्यूब और थ्रू माय बुक्स, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स वन बिग हैप्पी फैमिली. एंड आई थॉट कि मैं इससे ज़्यादा कम्फर्टेबल कहीं नहीं हो सकता हूँ. एंड आई फेल्ट कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस शायद कोई और नहीं है जब आई शुड बी पुटिंग अप माई थाट्स, what I'm doing, what I'm thinking, how I'm doing, how I'm thinking, journey कहाँ पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची है, that transparency I felt कि अब हमारे बीच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. and that is the reason why I felt कि night diary, you guys can be my night diaries, and that's how I thought that Wizards Night Diaries should be originated and I should share it completely with you. and see, disclaimers obviously सबसे ज़्यादा ज़रूरी. By all whole this process, I know we're mean to demean जो लोग डायरीज में अपनी नई डायरी लिखते हैं. No, not at all. उनका अपना कम्फर्ट जोन है और
ऑब्वियसली दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. मैं उस चीज पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर. इट इज अ सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स ओनली आई बिलीव, या फिर आप सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस कह सकते हो, या सॉर्ट ऑफ जस्ट रैंडम वीडियोस कह सकते हो, या सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट भी कह सकते हो. इट्स कम्प्लीटली ऑन यू हाउ यू वॉन्ट टू टेक इट. इट वॉज ऑन मी हाउ आई वॉन्ट टू नेम इट, एंड आई फेल्ट टू नेम इट दिस वे, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट दिस वे. सो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी को कोई डिमीन करने की कोशिश नहीं है. उसके अलावा आई गेस ये मुझे मल्टीपल टाइम्स डिस्क्लेमर देना पड़ेगा दैट ऑल द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग इज माय पर्सनल ओपिनियन, सब मेरे अपने बारे में है ऑब्वियसली. और हाँ, ये बात जरूर है कि हम ऐसे पब्लिकली ओपन डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो राय बन के आ जाती है, बट इट्स नॉट ऑफ दैट सॉर्ट. एंड इट्स जस्ट कम्प्लीटली माई थिंग, माई थाट्स, जो मैं अपने आप से शायद बातें करता हूँ, जो मैं अपने दोस्तों से बातें करना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, जो कि मेरे दोस्तों. तो दिस आर जस्ट डिस्कशंस बेसिकली. आई नो आप लाइव एकदम अवेलेबल नहीं है तो शायद टू एंड फ्रो डिस्कशन नहीं जा सकता, बट यू ऑल आर फ्री टू ड्रॉप इन योर रिस्पॉन्स, ड्रॉप इन योर ओपिनियंस ऑब्वियसली. एंड दिस इज टोटली अनस्क्रिप्टेड, टोटली रॉ. तो जो भी जैसा भी माइंड में आएगा, आई डोंट नो, पूरे दिन का आई विल बी थिंकिंग, जैसे भी बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि ओके क्या क्या बात करनी थी, क्या क्या मिस हो जाएगा. मुझे डिस्क्लेमर्स पहले देने चाहिए थे, आई एम गिविंग इट इन द मिडल. तो या ये चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा हमेशा, एंड विल ट्राई टू मेक इट जितना ज़्यादा भी ये अनफिल्टर्ड रॉ और पूरा ऐसा रहे वैसा ही रहे. बिकॉज पर ऑब्वियसली आप डायरी में भी जब लिखते हैं तो काटे माटे तो होते रहते हैं, तो थोड़े बहुत एडिट इधर उधर थोड़ा बहुत तो आप भी सहयोग करेंगे करेंगे, क्यों नहीं, क्यों. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. और सिर्फ डिस्क्लेमर्स के साथ ना यही चीज़ है यार, मुझे डिस्क्लेमर्स ना कभी ज़्यादा समझ नहीं आए, जस्ट बिकॉज कि हमें क्यों ज़रूरत है किसी को डिस्क्लेमर देने की. जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो ऑब्वियसली आप कितना भी कुछ भी उस चीज़ के बारे में बोलो, बट एक कॉन्टेंट कॉन्टेंट तभी है जब हर कंज्यूमर उसको अलग अलग तरीके से ले कहीं ना कहीं. दैट इज माई अगेन माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट. तो एक कंटेंट कंटेंट तभी है जब हर एक व्यूअर, हर एक जो कस्टमर टेक्निकली है, हर एक पर्सन जो भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, द कंज्यूमर, दे टेक इट इन देयर ओन वे. तो जब डिस्क्लेमर डालने की जरूरत इसीलिए पड़ जाती है ना आजकल, क्योंकि लोग जज करते हैं, बहुत ओपनली जज करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि वो हर कॉन्टेंट में नेगेटिव चीज ढूंढ के निकालना चाहते हैं. And that's the reason why disclaimers की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. I mean, if I'm showing and I have a cigarette in my hand, मुझे disclaimer डालना compulsory है that we do not promote cigarettes. Just cigarette पकड़ने से मैं cigarette का brand ambassador नहीं हो गया, और I am not promoting कि cigarette पीनी चाहिए या ये cool होता है. Maybe that's the requirement of that script और वो character इस तरीके से है. Whatever it is, maybe हम अगर करेक्टर को ये भी दिखाए ना कि सिगरेट पीने की वजह से मर रहा है, जिससे ये मैसेज जा रहा है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तभी वो डिस्क्लेमर में लिखना पड़ेगा कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्योंकि उसने सिगरेट अपने हाथ में पकड़ी हुई है, विच इज वेरी वियर्ड थिंग टेक्निकली. सो डिस्क्लेमर्स इसीलिए नहीं होते हैं कि ये क्लियर किया जाए कि हम जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं कुछ गलत नहीं कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं. डिस्क्लेमर्स मार्केट में इसीलिए हैं क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि हर एक कंज्यूमर कहीं ना कहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें ही ढूंढते हैं हर कंटेंट में से. एंड देयर लाइक, ये गलत बोला है, ये गलत सिखा रहा है, ये गलत वो किया गया. हाँ, कुछ चीजें ऑब्वियसली नेगेटिव होती हैं, और वो ऑब्वियस नेगेटिव चीजें बिना डिस्क्लेमर के ही आ रही होती है मार्केट में. और व्हाट दोस सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स आर, यू गाइस वेरी वेल नो अबाउट इट. सो डिस्क्लेमर्स के साथ मेरी ये थोड़ी सी चीज़ है. रिसेंटली एक्चुअली मैं रिसर्च कर आई एम रिसर्चिंग ऑन समथिंग, जिस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो ये डिस्क्लेमर वाली चीज़ वहाँ से मुझे आई. बिकॉज आई टायर्ड यार, कितने सारे डिस्क्लेमर्स, हर एक एक्ट, हर एक उसके बाद डिस्क्लेमर 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 चल रहा था. तो या कमिंग बैक, ऑब्वियसली ये पहला एपिसोड है, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ माई नाइट डायरी. सो बीइंग द फर्स्ट पेज, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा कि है क्या क्या नहीं है. तो एक और रीज़न जो मुझे लगा कि मेरी ये डायरी ओपन हो जानी चाहिए, वाई आई डिडंट फील टू कीप इट विद माई सेल्फ, वाज दैट अगेन डिस्क्लेमर, इट्स अ पर्सनल चॉइस, और सबके लिए नहीं है, सिर्फ किसी किसी के लिए है. सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में मैं नहीं अब पिच आउट कर रहा हूँ. कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे भी हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बुरा तो कोई नहीं है ऑब्वियसली, बट देन दिस इज माई पर्सनल व्यू कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर्स को देखने के बाद. सारे डिस्क्लेमर्स आप अपने आप समझ जाए.
तो आई फेल्ट ये थोड़ा सा जरूरी इसलिए भी था मेरी नाइट डायरीज का ओपन नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं यार थोड़ा झूठ तो शेयर किया जाता है। आई मीन एवरी वन हैव राइट टू प्राइवेसी ऑब्वियसली, एंड बीइंग एन एंशियंट पर्सन माई सेल्फ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी लाइफ इस तरह से शेयर कर पाना। बट कभी कभी ये जर्नी आप सबके बिना अधूरी है, ये तो हम हर कोई जानता है, हर कंटेंट क्रिएटर्स उसके व्यूअर्स के बिना जर्नी अधूरी है, वी नो इट वेरी वेल। और सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया मीडियम है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस जर्नी को शेयर कर पाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक इंसान को भी हम मोटिवेट कर पाए, क्योंकि हम लाइक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यार मैं इतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं हूँ। आई एम समबडी जो आप ही लोगों के अराउंड रहता हूँ, आई एम समबडी जो आप ही लोगों की तरह सोचता हूँ, आप ही लोगों की तरह काम करता हूँ, आप ही लोगों की तरह छोटी छोटी हॉबीज हैं, आप ही लोगों की तरह कुछ पैशंस हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेज इट डाउन। और आप ही लोगों की तरह मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड इट बिकेम इजी बिकॉज आई कैप्ट चेजिंग इट, एंड बिकेम इजी बिकॉज यू गाइस कैप्ट ऑन कनेक्टिंग विद मी और मेरे साथ जुड़ते रहे, और इसीलिए तो कहीं ना कहीं मुझे उसी चीज के अराउंड की यार मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएटर्स में कंप्लीट लाए नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा यार थोड़ा कभी कभी ना जरूरत से ज्यादा फिल्टर कर देते हैं इस जर्नी को। और शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं एक कंज्यूमर, एक तरीके से मैं भी उन लोगों के लिए कंज्यूमर ही हूँ बिकॉज आई फॉलो देम, एंड बीइंग अराउंड इन दिस इंडस्ट्री अगर मैं बोलूँ तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के इर्द गिर्द होना इज लाइक अ पर्क ऑफ बीइंग अराउंड इन दिस इंडस्ट्री। और कंटेंट क्रिएटर की मैं बात करूँ तो हर टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, बीट द ऑथर्स, बीट द डिजाइनर्स, बीट द आर्टिस्ट, और हर टाइप के आ जाते हैं। एंड उन सबके इर्द गिर्द रह के मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि फिल्टर करके बहुत से लोग फिल्टर करके इस हिसाब से दिखाना चाहते हैं दैट दिस इज अ प्रिविलेज थिंग विच इट इज नॉट। सो आई फेल्ट दैट मैं अभी बहुत बहुत छोटे स्केल पे हूँ प्रेटी ऑब्वियसली, सो आई फेल्ट कि अगर इतनी छोटी स्टेज से ही मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी जर्नी जो आप लोगों के साथ है बिकॉज यू गाइस आर विद मी इन दिस, तो अगर ये हमारी जो पूरी जर्नी है आपकी और मेरी अगर ये अभी से हम कॉन्टिन्यूसली आपस से शेयर करके आगे चलते रहें एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म इवन वन पर्सन आउट देयर, देन आई सपोज इट सर्व इट्स पर्पस। और बस ये चीज़ है, मेन यही बताने की कोशिश या यही शेयर करने की कोशिश दैट वी आर नो डिफरेंट देन यू। कंटेंट क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स में कोई फर्क नहीं है, और कोई भी कंज्यूमर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, इट्स जस्ट टेक दैट परसिस्टेंस, दैट डेडिकेशन, दैट पैशन, और दैट्स इट। आई मीन और ये कनेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई फेल्ट कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत 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 ज़रूरी है, एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम हियर। और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट रॉ आइडिया शेयर करने की कोशिश करेंगे, दिन चल रहा है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता है हाउ विल इट स्पैन आउट, हाउ विल इट गो, मुझे क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए, बट या दैट समथिंग। सो दो बुक्स लॉकडाउन के अंदर दैट आई रिलीज, स्क्रिबल्स इन पैजामास एंड क्रिएशंस बाय लैक्सस क्रिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, दोनों को बेस्ट सेलर्स बनाने के लिए, और अमेजोन के हॉट न्यू रिलीज में फॉर मल्टीपल वीक्स तक उसको लीड कराने के लिए, एंड इट्स बीन डूइंग गुड स्टिल। और स्क्रिबल्स इन पैजामास जब आई थी उसी के साथ मैंने बात की थी दैट आई विल बी रिलीजिंग माई वेबसाइट एज वेल, एंड इट्स बीन ओवर अ मंथ और 1.5 month टेक्निकली, और वेबसाइट का कुछ आता पता नहीं है। आई नो दिस वेरी वेल एंड दिस हर्ट मी एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली कहा था कि वेबसाइट आएगी और उसमें बहुत सारा कंटेंट भी उसके साथ आएगा, तो कंटेंट तो कंटिन्यूअसली मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर ही रहा हूँ, बीट द मेन स्क्रिबल राइटिंग चैलेंज और भी अलग अलग तरीक़ों से, बट या द वेबसाइट इज लिटिल मिसिंग, थोड़ा डिले चल रहा है, एंड नो बडी इज टू बी ब्लेम फॉर दिस ऑब्वियसली, नो वन एल्स देन माई सेल्फ, क्योंकि गड़बड़ थोड़ी मेरी तरफ से ही चल रही है कंटेंट उस वेबसाइट का कंटेंट बनाने में, और परफेक्शन के लिए आई डोंट नो, मुझे लग पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी सी रॉ वेबसाइट भी मैं अगर अनाउंस कर दूंगा उसमें थोड़े से फीचर्स भी रखूंगा, थोड़े सा भी डेटा रखूंगा, उसके बाद बाकी डेटा बाद में विल कीप ऑन एडिंग अप, बट देन इट हिट मी वो थोड़ा सा आ जाता है ना यार कि करो तो पूरा करो, अधूरा करने का मन नहीं कर रहा था, एंड सिंस देन नए नए आइडियाज आते रहे, आई कैप ऑन वर्किंग अदर थिंग्स एंड क्रिएशन का भी पॉपअप हुआ,
So it just became no excuse. Obviously, it's my mistake, but then it just became a little difficult for me to go on with it. Obviously, the designers are busy as well. Obviously, कोई बाकी काम भी हैं. I just cannot ask someone to just sit down on my website एकदम से टीम के हिस्से जो भी टीम का हिस्सा है. Like they are not denying. Obviously, why would they deny? बट मुझे भी कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है दैट आई मिस द डेडलाइंस और मुझे अगला उनका फ्री जोन थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा. सो दोज आर द कपल ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से वेबसाइट थोड़ी सी डिले चल रही है. एंड अबाउट द प्रोजेक्ट्स, तो या न्यू ईयर के टाइम पे अनाउंस किया था द नॉन फिक्शन लव प्रोजेक्ट, जिसका नाम कांट थिंक ऑफ अ परफेक्ट टाइटल रखा था, बट द टाइटल हैज बीन चेंज्ड. दैट इज द अपडेट अबाउट इट. कांट थिंक ऑफ अ परफेक्ट टाइटल विल नॉट बी द टाइटल ऑफ दैट बुक. और ये काफी सजेशंस और काफी रिस्पॉन्स जैसा, उस पर रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आया था, सबने बहुत ज्यादा प्यार किया था. बट कभी कभी यह थोड़े से जैसे वही सर्कल इंडस्ट्रीज में रहने का थोड़ा सा ये भी एक रहता है कि वी गेट दोज एक्सपर्ट सजेशंस फ्रॉम आर फेलो कंटेंट क्रिएटर्स. और थोड़ा सा उसमें मुझे सजेशन ऐसा आया था दैट मे बी आई कैन डू बेटर विद द नेम. एंड आई थॉट नेम, जैसे हम डिस्कस करते हैं कई बार आइडिया, कई बार प्लॉट, तो उसके बाद आया था कि मे बी द नेम इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द प्लॉट और जो मोटिव है इस बुक का, बिकॉज इट्स अ नॉन फिक्शन इन इट सेल्फ. सो आई डिसाइडेड टू चेंज द नेम. और जो नया नेम आ रहा है, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. वो नेम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर्सनली ज्यादा अच्छा लग रहा है. नॉट जस्ट कि बाहर के सजेशन है इसीलिए बदल रहा हूँ, बट पर्सनली ज्यादा अच्छा लग रहा है इसीलिए आई एम गोना चेंज इट आउट. बट कांट थिंक ऑफ अ परफेक्ट टाइटल इज अ ब्यूटिफुल टाइटल इन इट सेल्फ. और इसके साथ मैंने एक नया प्रोजेक्ट का आइडिया सोच लिया है दैट विल रिवॉल्व अराउंड दिस टाइटल इट सेल्फ. तो ये टाइटल जो है प्रोजेक्ट पे आया था, जो कि ऑब्वियसली पूरा आइडिया ऑलरेडी बिल्डेड अप था, प्लॉट बिल्डेड अप था, बट वहां ये फिट इन नहीं हुआ. तो कोई बात नहीं, हमने इस टाइटल को रखने के लिए इस टाइटल पे फिट इन होने वाला कोई आइडिया, एक प्लॉट जो है वो सोच लिया है. सो कांट थिंक ऑफ अ परफेक्ट टाइटल इज गोइंग नो वेयर. और वो टाइटल की बुक आएगी, बट बुक आएगी या जो भी वो प्रोजेक्ट है, इट कैन बी अ बुक. लाइक मैं एकदम से प्रॉमिस नहीं कर सकता दैट इट विल बी अ बुक, बट इट विल बी समथिंग, इट विल बी समथिंग फॉर श्योर. आई एम बिल्डिंग इट अप, तो दैट्स गोना बी देयर. और भी कुछ एक दो अच्छे. हाँ, तो वही नॉन फिक्शन लव रोमांस जो आ रही है उसका टाइटल चेंज हो जाएगा. उसका टाइटल चेंज है, आई विल अनाउंस इट वेरी सून. मैं अब एक्चुअली टाइटल अनाउंस करके नहीं छोड़ देना चाहता, आई विल अनाउंस इट फुल एकदम मस्त वाला, कि पूरी डिटेल्स के साथ कि क्या है क्या नहीं है उसमें. आई थिंक वो वेबसाइट पे ही आए, वेबसाइट के साथ ही आए तो ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा सस्पेंस उसी के साथ हटना चाहिए. सो दोस आर दी थिंग्स. एंड अभी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा डेली हो सके उतना ज़्यादा डेली आए, आपके साथ बातचीत करें. एंड आई हैव नो आइडिया कितनों के लिए रात है, कितनों के लिए दिन है, बिकॉज इट्स 4 AM राइट नाउ. तो टेक्निकली आई डोंट नो, नाइट डायरीज बोले या क्या बोले, और इसको कौन से दिन की नाइट डायरी के हिसाब से डालना चाहिए, अगली डेट या पिछली डेट. सो बैड जोक्स अपार्ट, सो दिस इज ऑल. एंड वंस अगेन आई विल से, go to Amazon please and buy both the books, Scribbles in Pyjamas and Creations by Lapsus Creations. One is a scribbling collection and the other one is the poetry collection. तो जाइए Amazon पे, पढ़िए इसे प्लीज, अपने रिव्यूज जरूर डालिए. आपके रिव्यूज और फीडबैक्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. एंड शेयर इट जितना ज्यादा आप करें, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं तो ही विजिबिलिटी बढ़ती है, तो ही बाकी रीडर्स आते हैं. एंड तो ही वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल दैट वी हैव, दैट ऑल दैट आई हैव बेसिकली. सो प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन. और ऐसा एक बार शेयर करके मत रुका कीजिए, आप लगातार शेयर कीजिए, अपना फेवरेट राइटअप्स भी से शेयर कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझसे बात कीजिए, सो दैट आई नो आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है. और आज की वीडियो, ये जो फर्स्ट पेज है नाइट डायरी का, दिस वॉज कम्प्लीटली बिना कट के. ये जो बीच में आपको दो तीन कट दिख रहे हैं वो मेरी बेवकूफी के कारण है थोड़े से, क्योंकि फोन 3-4 बार गिर गया, स्टैंड पे थोड़ा सा गलत लगा रखा था मैंने, तो सो दैट वाई वो पॉज प्ले करना पड़ा मुझे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से कट है. सो विद दैट वी कंक्लूड द फर्स्ट पेज ऑफ विजर्ड्स नाइट डायरीज. एंड लेट्स मीट अगेन ऑन द पेज 2 और देखते हैं आगे क्या बीतता है, व्हाट इज इट अबाउट जो हमें आगे शेयर करना है. एंड देन वेरी
इम्पॉर्टेंट चीज जो और मैं शेयर कर दूं दैट नो मैटर व्हाट इट इज, आई मीन इट्स गुड, इट्स बैड, इट्स इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. माई डी एम्स आर ऑलवेज ओपन. ऐसा मत सोचिए कि मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा और समथिंग लाइक दैट. आई ऑलवेज रिस्पॉन्स टू माई डी एम्स, आई ऑलवेज डू. एंड यू ऑल वेरी वेल नो वेयर टू फाइंड मी, मीट अंडरस्कोर द अंडरस्कोर विजिट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एफ बी, ऑन ट्विटर, एंड मीट द विजिट ऑन यूट्यूब. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझ तक पहुँच सकते हैं. एंड प्लीज डू, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, गाइडेंस और समबडी टू टॉक विद, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लॉकडाउन, बट नॉर्मली भी कई बार हमें जज होने का कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डर रहता है. एंड आई कैन जस्ट से दैट वट एवर यू शेयर विद मी स्टेज विद मी, इट विल बी अ गुड प्राइवेट स्पेस. आई ट्राई टू मेक यू गाइज एज कम्फर्टेबल एज इट इज. और कोई ओपिनियंस नहीं है, कोई जजमेंट्स नहीं है, कोई सॉल्यूशंस प्रॉमिस्ड नहीं है प्रेटी ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली I'll be listening. That's all I can offer you. I think sometimes सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि बस कोई सुन ले, that's it. इससे ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी हमें कुछ नहीं होता. And then it's a diary obviously, और भले night diary पर diary है तो कुछ बातचीत content related, तो हम content related बातचीत से मेरा मतलब है कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, किससे ये भी हम शेयर करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे. इट विल कीप कमिंग. और कुछ आइडियाज अगर आपके हैं, कुछ डिमांड्स अगर आपके हैं, तो यार डालो यार. आप लोगों ने डिमांड करना छोड़ दिया है, डिमांड करो, खुल के करो. आई एम लिसनिंग, आई एम ऑब्वियसली हियर. सो यू गाइस नो वे टू रीच मी आउट, सो रीच मी आउट एनी टाइम एनी वे. आपसे तो कुछ छुपा नहीं है और अब आगे आपसे कुछ छुपेगा भी नहीं. सो सी यू ऑल from page 1 of Wizard's Night Diary and see you at page 2 of Wizard's Night Diary.